स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 20, जिसका नेम है हेरिटेज साइट्स एंड बिल्डिंग्स। इसका मीनिंग है वो बिल्डिंग्स, वो साइट्स जो हमारी विरासत है। ओके, हेरिटेज मतलब विरासत। ओके, वो बिल्डिंग्स, वो साइट्स जो हमें विरासत में मिली हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ताजमहल, बुलंद दरवाजा एंड वी कैन से हवा महल, ये सारी जो बिल्डिंग्स है ये कितनी पुरानी है। ओके, सो ये बिल्डिंग किसने बनाई? हमारे पूर्वजों ने बनाई, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई, एंड आज हम उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो भी पूरी कोशिश करती है इनकी देखभाल करने की। ओके, तो इन बिल्डिंगों को देख के हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स बहुत ही सुंदर है। इनमें इनके ऊपर सुंदर सुंदर कार्विंग की गई है, जो स्टोन एंड जो मटेरियल इनके लिए यूज़ में लिया गया है वो भी बहुत काफ़ी प्रीसियस मटेरियल है। सो स्टूडेंट्स, आज हम उन बिल्डिंग्स एंड उन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें विरासत में मिली है, जो काफ़ी पुरानी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज चैप्टर। One evening, while playing hide and seek, Pinky stumbled upon an old mosquito. एक शाम को, ओके? One evening, while playing hide and seek, बच्चे जब हाइड एंड सीक खेल रहे थे, एक इवनिंग को जब बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तभी एक गर्ल जिसका नेम है पिंकी stumbled upon एन ओल्ड मॉस्क्यू। स्टम्बल्ड अपॉन का, स्टम्बल्ड का मीनिंग होता है ठोकर खाना, बट यहाँ पे स्टम्बल्ड का मीनिंग है उसकी नज़र पड़ी। ओके, पिंकी स्टम्बल्ड अपॉन मतलब पिंकी की नज़र पड़ी एन ओल्ड मॉस्क्यू, एक पुरानी मस्जिद के ऊपर। पिंकी ने एक पुरानी मस्जिद देखी नियर हर हाउस, अपने घर के पास में। शी थॉट इट वॉज ब्यूटिफुल, उसने सोचा ये तो बहुत ही सुंदर मॉस्क्यू है, मस्जिद है। द एरिया अराउंड द मॉस्क्यू वॉज गार्डेड बाय सिक्योरिटी गार्ड, और उसके चारों तरफ जो एरिया था, किसके चारों तरफ, मॉस्क्यू के चारों तरफ जो एरिया था उसके उसकी रक्षा कौन कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड। ओके, मॉस्क्यू के चारों तरफ जो एरिया था या पूरी जो मॉस्क्यू थी उसकी जो गार्ड बोलते हैं, रक्षा बोलते हैं, वो कौन कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी रक्षा कर रहे थे, उस बिल्डिंग की, उस मॉस्क्यू की। एंड पिंकी एंड हर फ्रेंड्स वर नॉट अलाउड टू गो नियर इट, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने पिंकी और उनके फ्रेंड्स को उसके पास में जाने नहीं दिया, मतलब वो लोग उसके पास में जाने के लिए अलाउ नहीं किए गए, क्योंकि उसकी उसकी पूरी सुरक्षा कौन कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड उनकी सुरक्षा कर रहे थे उस बिल्डिंग की। सो बच्चे उनके पास में जाना उन्होंने अलाउ नहीं किया, वो उनके पास में नहीं जा सके। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इट वॉज लेटर इन क्लास दैट पिंकी लर्न दैट द मॉस्क्यू वॉज बिल्ट अबाउट 500 ईयर्स एगो बाय अ फेमस सुल्तान। बाद में कुछ दिनों बाद में पिंकी ने क्लास में पढ़ा या सीखा कि ये जो मस्जिद है, द मॉस्क्यू वॉज बिल्ट अबाउट 500 ईयर्स एगो, ये जो मॉस्क्यू है ये 5000 साल पहले बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, वॉज बिल्ट अबाउट 500 ईयर्स एगो, ये जो बिल्डिंग है वो कब बनाई गई थी, 500 है, 500 साल पहले ये जो मॉस्क्यू है ये बनाई गई थी। ये किसने बनाई, बाय अ फेमस सुल्तान, एक फेमस सुल्तान ने इस मॉस्क्यू को बनाया। प्रेजेंटली इट इज़ अ नेशनल मोन्यूमेंट, और आज एट प्रेजेंट वर्तमान में ये क्या है, एक नेशनल मोन्यूमेंट है, ये एक राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट बोलते हैं स्मारक को, ये एक राष्ट्रीय स्मारक है एंड अ हेरिटेज प्लेस, और एक क्या है, हेरिटेज बोलते हैं विरासत को। ओके, और ये एक विरासत भवन है, समझ में आया, हेरिटेज प्लेस किसको बोलते हैं, विरासत भवन को, वो बिल्डिंग जो हमें विरासत में मिली है उनको बोलते हैं हेरिटेज प्लेस या विरासत भवन। एंड हिस्टोरियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू स्टडी इट, और जो इतिहासकार होते हैं
एंड हिस्टोरियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार से मोस्ट ऑफ हिस्टोरियंस यहाँ इसकी हिस्ट्री करने, इसके बारे में अलग अलग खोज करने, इसके बारे में अलग अलग बातों के बारे में जानने के लिए सारे संसार से काफ़ी इतिहासकार बोलते हैं, हिस्टोरियंस जिनको बोलते हैं इतिहासकार, यहाँ पे आते हैं इसके बारे में कुछ अलग जानने के लिए. Okay, students, now come on the next paragraph. Anything that we inherit from our ancestors, such as customs, traditions, literature, or monuments, is our heritage. Anything, कुछ भी जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है. Inherit मतलब हमें मिलता है, विरासत में हमें मिलता है. सच जैसे कि वो कस्टम भी हो सकते हैं, रीति रिवाज भी हो सकते हैं, ट्रेडिशन अलग अलग परंपराएं भी हो सकती है, लिटरेचर वो साहित्य भी हो सकता है, और मॉन्यूमेंट्स और स्मारक भी हो सकती है. इज़ अवर हेरिटेज, वो क्या है, हमारी विरासत है. हेरिटेज इज समथिंग दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स. हेरिटेज एक ऐसा सेंस है, एक ऐसी हमारी हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा करती है, एक ऐसी भावना, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हमें अपने मन की भावना दिखाते हैं. ओके, बिलोंगिंग मतलब हमारी जो खुद से रिलेटेड है, हमारे अपने मन की भावना हमें इनसे मिलती है. एंड इन्फॉर्म्स अस अबाउट हाउ सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड, और हमें इन्फॉर्म करते हैं, ये सारी जो बिल्डिंग है ये हमें बताती है, इन्फॉर्म करती है, सूचना देती है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो कैसे डेवलप हुआ, उसका विकास कैसे हुआ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन दैट इज़ पास्ड डाउन थ्रू द जनरेशंस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, ये एक ट्रेडिशन मतलब बोलते हैं परंपरा को, ये एक परंपरा का ही पार्ट है. ओके, दैट इज़ पास्ड डाउन थ्रू द जनरेशन, जो कि काफ़ी जनरेशन से चली आ रही है. ओके, जनरेशन बोलते हैं पीढ़ी को, तो काफ़ी पीढ़ियों से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है. ओके स्टूडेंट, समझ में आया, जो इसका मीनिंग ये है कि जो ये हेरिटेज प्लेसेस हैं वो हमें किन से मिली, हमारे पूर्वजों से मिली. तो एक ये हमें बिलोंगिंग की भावना हमें दिखाती है, अपनेपन की भावना दिखाती है कि ये बिल्डिंग्स हमारे पूर्वजों ने बनाई है, इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए. ओके, तो ये जो बिल्डिंग्स है, इसकी ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स है, ये काफ़ी पुराने ज़माने से चला आ रहा है, इसका ये मीनिंग है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, हेरिटेज बिल्डिंग्स. अब हम देखेंगे कि हेरिटेज बिल्डिंग्स कौन सी है. मोन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स दैट वर बिल्ट इन द पास्ट. मोन्यूमेंट्स बोलते हैं स्मारक को. ओके, मोन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स कुछ ऐसी बिल्डिंग होती है दैट वर बिल्ट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में बनाई गई थी, भूतकाल में बनाई गई थी. दैट कुड बी स्पेशली बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट, सच एज अ टॉम, और दे कुड बी फोर्ट्स और मेमोरियल्स ऑफ फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स. दैट कुड बी स्पेशली बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट. पुराने ज़माने में ऐसी बिल्डिंग किसी की याद में भी बनाई जा सकती है. ओके, दे कुड बी स्पेशली पुराने ज़माने में किसी पर्सन की याद में इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी. सच एज टॉम, TOMB, टॉम बोलते हैं मकबरे को. सच एज टॉम, जैसे कि मकबरा, और दे कुड बी फोर्ट्स, और वो किले भी हो सकते हैं, बड़े बड़े जो किले आपने देखे होंगे, या फिर किले हो सकते हैं, और मेमोरियल ऑफ फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स, या फिर किसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर डिपेंड कोई मेमोरियल भी हो सकता है, कोई स्मारक भी हो सकती है. ओके, मेमोरियल बोलते हैं स्मारक को, तो वो कोई स्मारक भी हो सकती है किसी हिस्टोरिकल इवेंट की याद में. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, द गवर्नमेंट टेक्स स्पेशल केयर ऑफ सम नेशनल मॉन्यूमेंट्स. कुछ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्मारक, जिसकी देखभाल कौन करते हैं, गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, और वो उसके लिए कुछ स्पेशल केयर करती है, स्पेशल उसके लिए कुछ नियम भी बनाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, एंड अदर काइंड्स ऑफ बिल्डिंग. और नेशनल मॉन्यूमेंट्स या फिर जो अदर बिल्डिंग्स होती हैं, जो कि पास्ट में बनाई गई थी, उनकी देखभाल के लिए जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो उनकी स्पेशल केयर करती है, उनके लिए कुछ स्पेशल रूल बनाती है. दे आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व प्रॉपरली, उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है और उनकी अच्छे से सुरक्षा की जाती है. दीज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड हेरिटेज बिल्डिंग, इन बिल्डिंग को ही हेरिटेज बिल्डिंग बोलते हैं, विरासत भवन बोलते हैं. स्टूडेंट्स,
One of the most famous heritage building in India is the Taj Mahal. India में जो सबसे पुराना या फिर सबसे जो famous हम बोल सकते हैं सबसे famous heritage building है वो है ताजमहल in आगरा, जो कि आगरा में है. It was built by Emperor of Shahjahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. ये building किसने बनाई थी? शाहजहां. एक मुगल एम्परर शाहजहां था, उन्होंने यह बिल्डिंग बनाई किसकी याद में? अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था. किन्होंने? शाहजहां ने. ये एक मुगल एम्परर थे. द टॉम इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. ये सुंदर ही स्थापत्यकला, जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्यकला, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल स्थापत्यकला का ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है. बिल्ट विद वाइट मार्बल विद एन एनले वर्क ऑफ सेमी प्रेसियस स्टोन्स. ये किससे बनाया गया है? जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बनाया गया है. विद एन इनले, इनले बोलते हैं जड़ाव के काम को, जिसमें जड़ाव का काम किया गया है ऑफ सेमी प्रेसियस स्टोन. जो सेमी प्रेसियस स्टोन बोलते हैं बहुत ज़्यादा महंगे जो स्टोन्स होते हैं, ओके. एंड सेमी प्रेसियस स्टोन्स बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, सेमी अर्ध प्रीसियस, अर्ध जिनको बोलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, थोड़े उनसे सस्ते होते हैं. इस तरह के स्टोन्स बोलते हैं जो जिनमें जो हीरे जिनसे जड़ाव का काम किया जाता है मार्बल के अंदर, ओके. तो ये जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बनाया गया है और वाइट मार्बल के अंदर सेमी प्रीसियस स्टोन जो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं उन, मतलब प्रीसियस महंगे तो होते हैं बट ज़्यादा महंगे नहीं होते, सेमी प्रीसियस, ओके. स्टोन्स बोलते हैं जो छोटे छोटे हीरे होते हैं, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, उनके अंदर मार्बल के अंदर जड़े गए हैं, उनमें जड़ाव का काम किया गया है. इट टुक 17 ईयर्स टू कम्प्लीट. इसको कम्प्लीट होने में 17 ईयर्स लगे. द मैन डोम इज सराउंडेड बाई 4 माइनरेट्स. और जो मैन डोम है, जो मैन जो बीच का जो मकबरा है उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे मीनार भी है, ओके. माइनरेट्स बोलते हैं मीनार को. आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो बीच में है वो तो मैन जो टॉम है मकबरा है, और उसके चारों फोर कॉर्नर पे छोटे छोटे माइनरेट्स भी बनाए गए हैं, मीनार भी बनाए गए हैं. लेट अस रीड अबाउट सम अदर हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. अब हम कुछ अलग दूसरे विरासत जो साइट्स हैं, जो भवन हैं, स्मारक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है अजंता एंड एलोरा. अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी में अजंता एंड एलोरा की गुफाएं हैं, ओके. कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी में अजंता एंड एलोरा की गुफाएं स्थित है, लोकेटेड है. द अजंता केव्स कंटेन सम ऑफ इंडियाज मोस्ट मैग्निफिशेंट पेंटिंग. अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें इंडिया की मैग्निफिसेंट बोलते हैं भव्यशाली, ओके, वैभवशाली. मैग्निफिसेंट बोलते हैं वैभवशाली, बहुत ही वैभवशाली पेंटिंग्स उन गुफाओं में है. कौन सी गुफाओं में? अजंता की गुफाओं में. पेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि हजारों साल पहले बनाई गई थी. एट एलोरा वेन वन कैन सी ब्यूटिफुल टेम्पल्स विद वंडरफुल कार्विंग मेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक. और एलोरा में, अभी हमने पढ़ा अजंता के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एलोरा की जो कैव्स है उनमें क्या है. एलोरा में वन कैन सी ब्यूटिफुल टेम्पल्स, वहाँ पर हम सुंदर मंदिर देख सकते हैं विद वंडरफुल कार्विंग, जिनमें सुंदर सुंदर कार्विंग की गई है, ओके, नक्काशी का काम किया गया है. मैड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, एक सिंगल चट्टान के अंदर नक्काशी का काम करके टेम्पल बनाए गए हैं सुंदर सुंदर. दीज आर कॉल्ड रॉक कट टेम्पल्स. इन टेम्पल्स को बोलते हैं रॉक कट टेम्पल्स, चट्टानों को काट के बनाए गए मंदिर. सन टेम्पल कोणार्क इज अ ह्यूज कैरियट शेप्ड टेम्पल इन ओडिशा. ओडिशा में जो एक बड़ा ह्यूज बोलते हैं बड़ा कैरियट, कैरियट बोलते हैं रथ,
एक बड़ा रथ की शेप में एक टेंपल मंदिर बनाया गया है जिसको बोलते हैं सन टेंपल। ओके, ओडिशा के कोणार्क डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा रथ की शेप में एक मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है सन टेंपल, डेडिकेटेड टू द सन गॉड, जो कि सन गॉड को डेडिकेटेड किया गया है। इट इज मेड ऑफ स्टोन with 12 pairs of wheels pulled by 7 rearing horses. It is made of stones, ये है पत्थरों से बनाया गया है, with 12 pairs of wheels, और ये रथ की शेप का है इसलिए इसके नीचे 12 pairs, 12 जोड़े हैं, किसके व्हील्स के, पहियों के 12 जोड़े हैं, 12 पेयर्स हैं जो कि खींचे जा रहे हैं, पुल्ड बाय 7 रियरिंग हॉर्स, जो कि 7 रियरिंग हॉर्सेस के द्वारा खींचे जा रहे हैं। रियरिंग हॉर्स वो होते हैं जो अपने पीछे के लेग्स के ऊपर ऐसे बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। आपने कभी देखा है कि पीछे के लेग्स के ऊपर जो हॉर्स बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में होता है उनको बोलते हैं रियरिंग हॉर्सेस। ओके, तो ये जो टेंपल बनाया गया है वो 7 रियरिंग हॉर्सेस से, कि 7 रियरिंग हॉर्सेस, ऐसा लगता है कि ये 7 जो हॉर्सेस है वो उनको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और इनमें कितने पेयर्स है व्हील्स के, 12 पेयर्स हैं व्हील्स के, पहियों के, और ये सब किससे बनाए गए हैं, स्टोन से, पत्थरों से बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेसन 20 हेरिटेज साइट्स एंड बिल्डिंग्स के 2 पेजेस हमने रीड कर लिए हैं, ये आपको रीड करने हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।